तो आइए सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। पीएम ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें कि भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले दो चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए पीएम ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पिछले दो चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। पीएम ने राज्य की जनता से भाजपा सरकार के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के झूठे वादे में जनता फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही एकता नहीं है तो गुटबाजी के बीच वो दलितों और पिछड़ों का भला कैसे करेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है।
और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा देने लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य में दलाल और दामाद का बोलबाला था। कांग्रेस ने लूट खसोट ही नहीं की बल्कि बड़ी ही बेशर्मी से उसका बचाव भी किया। ऐसे में कांग्रेस के वादों और इरादों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, उड़ा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि, हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है, और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा। क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई?